आश्रम का ये गेट है और हम लोग छत्तीसगढ़ आश्रम पहुंच चुके हैं और ये यहाँ का कितना अच्छा नज़ारा है। आप अगर एक बार आएंगे तो बार बार आने का दिल करेगा। फर्स्ट ट्रिप है फार्मेसी ग्रुप के साथ घूमने का मौका मिला है। हेलो दोस्तों, हाय। आज हम लोग चल रहे हैं ट्रिप पे, ये लोग हमारे फ्रेंड हैं। फाइनली हम लोग एक फ्रेंड के रूम पे आ चुके हैं। अब उन लोग जो लोग को लेना है यहाँ से फिर वहाँ से। दोस्तों हम लोग तीन लोग से पांच लोग हो गए, दो लोग को लिए, एक लोग लेफ्ट, एक लोग राइट। जा रहे हैं दोस्तों, हम लोग बनारस से चुनार पहुंच चुके हैं। चल रहा है छत्तीसगढ़ के लिए। अभी आगे हम लोग बस से चलेंगे। फाइनली हम लोग चुनार जंक्शन पे पहुंच चुके हैं। अब इसको क्रॉस करके आगे से बस पकड़ के हम लोग छत्तीसगढ़ के लिए चलेंगे। फाइनली दोस्तों हम लोग हाईवे पे पहुंच चुके हैं। देखिए हाईवे पे हम लोग पहुंच चुके हैं। दोस्तों हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं परमहंस आश्रम छत्तीसगढ़, और अभी लोग तैयार हो रहे हैं चलने के लिए अंदर। अब हम लोग अंदर चलेंगे, चलिए अंदर चलते हैं। आश्रम का ये गेट है और हम लोग छत्तीसगढ़ आश्रम पहुंच चुके हैं। और ये यहाँ का कितना अच्छा नज़ारा है। आप अगर एक बार आएंगे तो बार बार आने का दिल करेगा। और अमेजिंग नज़ारा छत्तीसगढ़ चुनार मिर्जापुर में है। देखिए क्या नज़ारा है यहाँ का, और कितनी यहाँ पे हमेशा भीड़ लगा रहता है। सबसे पहले आया पाएंगे तो पहले यहाँ पे आप सूज एक रस्सी में बांध के रखना पड़ेगा आपको। देख लीजिए यहीं पे सब रखा रहा है। सबसे पहले आप यहीं पे आएंगे तो पहले अपना सूज को यहीं पे निकाल के रखेंगे। यही बाबा का आश्रम है, देख लीजिए कितना बढ़िया है। और देखिए कितना भीड़ लगा है आज। हम लोग फाइनली इंटर कर चुके हैं आश्रम में। देख लीजिए ये आश्रम है पूरा। देखिए हम लोग थोड़ा बहुत दर्शन करके टीका वीका लगा लिए हैं और थोड़ा हम लोग आश्रम का पूरा भ्रमण करेंगे। देखिए ये आश्रम कितना अमेजिंग है। ये काफी किताब का स्टॉल भी लगा है, आप देख सकते हैं। तो ये है भोजनालय कक्ष, यहाँ पे दर्शन लाभ, यहाँ पे जो दर्शन करने आते हैं लोग, यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करके ही जाते हैं। देखिए प्रसाद ग्रहण करने के लिए लोग हैं। अभी प्रसाद थोड़ी देर में स्टार्ट किया जाएगा, तो आइए तब तक और जगह घूम लेते हैं। देखिए कितना बड़ा आश्रम है यहाँ का। यहाँ पे कितना वेजिटेबल्स रखा हुआ है कि सब्जी वब्जी बनाने के लिए, और कितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और ये गाड़ी है, किस गाड़ी से प्रसाद को लिया जाता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है। सब लोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए आए हैं। सो देखिए इतना जनसंख्या है। देखिए खाना लग चुका है और बस हम लोग भी प्रसाद सब लोग पहले दे दें फिर हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। दोस्तों सब्जी है और इसमें चावल है और इसमें पूड़ी रखा हुआ है। तो देखिए कितनी जनसंख्या है।
देखिए यहाँ पे प्रसाद बढ़ चुका है और सब लोग प्रसाद लेके बाहर चले जा रहे हैं। देखिए प्रसाद बांट के हम लोग अभी भी खाली हुए हैं, तो सब लोग खा के अभी ग्रहण करके सब लोग बाहर जा रहे हैं और हम लोग भी चल रहे हैं प्रसाद ग्रहण करने, बहुत एक्साइटेड होके। दोस्तों बैठ गए प्रसाद ग्रहण करने। दोस्तों ये देखिए है यहाँ पे बाबा बैठते हैं। तो दोस्तों हम लोग प्रसाद ग्रहण करके थोड़ा बाहर चल रहे हैं घूमने के लिए, अभी बाबा जी से नहीं मिल पाए हैं, अभी चल रहे हैं सिद्धनाथ दरी, वहां से थोड़ा बहुत घूम के फिर आएंगे, बाबा जी से मिलेंगे। अभी बाबा जी बैठे नहीं है अपने आसन पे, सो चल रहे हैं। दोस्तों इधर का नजारा आप भी देख लीजिए, और हम लोग आश्रम सतीशगढ़ से जा रहे हैं सिद्धनाथ दरी पे, पैदल ही चल रहे हैं, 1 किलोमीटर लगभग 1.5 किलोमीटर है सतीशगढ़ आश्रम से। तो यही हम लोग को ले जा रहे हैं, ये आ चुके हैं, हम लोग अभी फर्स्ट बार आ रहे हैं, और यहाँ का नजारा काफी अच्छा देखने को है लग रहा है। तो आप यहाँ पे बार बार आ सकते हैं, देखिए पहाड़ चढ़ते हुए चल रहे हैं हम लोग, और वो सर जी हम लोग को लेके चल रहे हैं, आगे आगे चढ़ रहे हैं, और बाकी सब लोग आ रहे हैं, पैदल ही चल रहे हैं हम लोग सिद्धनाथ दरी के लिए। देखिए तो हम लोग एक ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं, देखिए कितने ऊंचे पे हम लोग आ चुके हैं, देखिए यहाँ का क्या व्यू है, कितना मस्त व्यू है, क्या आपको बताएं, जब आएंगे तो आप फील करेंगे यहाँ का व्यू कितना मस्त है, देख लीजिए। तो दोस्तों चल रहे हैं सिद्धनाथ दरी के लिए पैदल ही हाईवे पे, यहाँ का नजारा बाकी खूबसूरत है, और बहुत तेज सब लोग गाड़ी पर जो है हमारे हैं शॉर्टकट रास्ता से लेके चल रहे हैं, यही शॉर्टकट रास्ता से कूदते हुए पहाड़ पे। तो दोस्तों फाइनली हम लोग सिद्धनाथ दरी के पिछले छोर पे आ चुके हैं। सिद्धनाथ कहाँ हुआ, आइए इधर देखते हैं। ये देखिए पिछला छोर है सिद्धनाथ दरी का। तो दोस्तों हम लोग फाइनली सिद्धनाथ दरी पहुंच चुके हैं, यहाँ पे सब लोग आगे वाले छोर पे देखिए यही सिद्धनाथ दरी है, आगे वाले छोर पे हम लोग पहुंच चुके हैं, थोड़ा हम आगे जाके आप लोगों को मोमेंट दिखाते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे कितने लोग आए हैं टूरिस्ट करने के लिए, तो देखिए यहाँ पे कितने सारे बंदर है सिद्धनाथ दरी में देख लीजिए। देखिए हम लोग कितना नीचे आ चुके हैं सिद्धनाथ दरी के, सर यहाँ का शुद्ध देसी घी, देखिए यहाँ पे पीने वाला पानी आता है एकदम पहाड़ों में से, एकदम पानी शुद्ध होता है, आप पी सकते हैं एकदम फिल्टर जैसा, और हमारी फार्मेसी टीम थक गई है। हम लोग सिद्धनाथ दरी घूम लिए, अब थोड़ा शॉर्टकट रास्ते से चल रहे हैं फिर हम लोग आश्रम की तरफ, और आश्रम होते हुए हम लोग अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। दोस्तों यह फर्स्ट ट्रिप है फार्मेसी ग्रुप के साथ घूमने का मौका मिला है। तो दोस्तों हम लोग अड़गा दर्शन प्राप्त हो गया, देखिए वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे कितनी भीड़ हुई है देख लीजिए आप, कितनी भीड़ है वहाँ पे दर्शन। दोस्तों देखिए बाबा जी, जय हो बाबा, प्रणाम करके निकलते जाओ। तो दोस्तों फाइनली हम लोग महाराज जी का दर्शन कर चुके, अब हम लोग अपने घर के तरफ जा रहे हैं, अब सतीशगढ़ से अब हम लोग बनारस चलेंगे,
तो सो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और देखिए सब चल रहा है, भाग गए क्योंकि बस पकड़ना है, बस छूट जाएगा तो फिर यहाँ से बस नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों चलते हैं, टाटा बाय बाय।